और खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा पे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा की है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और सीएम पुष्कर सिंह धामी कल बड़कोट जाएंगे। यमुनोत्री धाम में यात्रा की व्यवस्थाओं का खुद निरीक्षण करेंगे। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोका गया है। दस मई से जो चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है, उसमें इस बार अत्यधिक श्रद्धालु और भक्तगण आ गए हैं, तीर्थयात्री आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी यात्रा सामान्य स्थिति में आ रही है, व्यवस्थित हो रही है और सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, पेयजल से संबंधित और परिवहन विभाग, जितने भी हमारे विभाग हैं, पर्यटन के, आपदा प्रबंधन के, बिजली विभाग, सब विभागों के साथ की कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और जो लोग यात्रा अपनी जारी कर चुके हैं उनको ठीक प्रकार से जाम की स्थिति है, अन्य स्थितियों का सामना न करना पड़े और जगह जगह पर जो यात्री होल्डिंग किए हुए हैं, होल्ड कर रखे हैं, जो लोगों ने रुके हुए हैं, उनको उनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यात्रा हमारी पूरी व्यवस्थित हो रही है। आज काफी व्यवस्थित हो गई है, 2-3 दिनों में काफी व्यवस्था है। पिछले दिनों जरूर अत्यधिक संख्या के कारण से कुछ इस प्रकार की परेशानियां आई थी और यात्रियों को भी कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास है कि यात्रा ठीक दिशा से सुचारू रूप से चले। मैंने सभी अधिकारियों को भी कहा है सब कि सब लोग जो है नीचे ग्राउंड पर जाकर लोगों से मिलें, यात्रियों से मिलें, उनसे वार्तालाप करें, उनकी परेशानियां जानें।